iPhone 11 in 2024 for BGMI and PUBG. अगर आप सोच रहे हो कि हमें XR लेना चाहिए या फिर हमको 11 लेना चाहिए, तो 11 कैसा है, अभी इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, क्योंकि भाई इसको लॉन्च हुए ना 4 साल हो चुके हैं। 2019 में लॉन्च हुआ था और अभी आ चुका है 2024। तो आपको इस iPhone को लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, और करेंटली इसकी क्या परफॉर्मेंस चल रही है, मतलब कि ये लैग होता है या फिर नहीं होता BGMI PUBG में गेमिंग में, और क्या ये लेना वर्थ इट भी है 2024 में, सब कुछ आपको मैं बताने वाला हूं। और इस वीडियो को देखने के बाद में ना आपको और कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना है, एंड अभी फटाफट से कर लेते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस, iPhone 11 को लॉन्च हुए 4 साल हो चुके हैं और अभी इसका सेकंड हैंड प्राइस चल रहा है 20,000 रुपए, 21,000 रुपए। एंड इसके अंदर हमको चिपसेट देखने मिलती है एप्पल की A13 बायोनिक चिपसेट, जो कि सही में काफी ज्यादा पावरफुल चिपसेट है, बट अभी के टाइम के हिसाब से देखे ना तो भाई थोड़ी पुरानी हो गई है। और ये 5G भी सपोर्ट नहीं करती है, 4G ही सपोर्ट करती है। और अगर आप BGMI PUBG के लिए लेने का सोच रहे हो तो इसकी ग्राफिक सेटिंग में अभी आपको बता देता हूँ। तो इसमें आप स्मूथ प्लस एक्सट्रीम पे खेल पाओगे और HDR प्लस एक्सट्रीम तक भी आप खेल पाओगे, लेकिन भाई HDR और एक्सट्रीम पे ना बहुत ज्यादा लैग अब होता है ये। और अभी जो हमारा सबसे लेटेस्ट अपडेट है ना iOS 17.4 का, जो कि अभी आ रखा है, उसमें भाई हीटिंग भी ना बहुत ज्यादा हो रही है XR में भी और iPhone 11 में भी। और ये भाई मैं 11 के यूजर का ही एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, और अगर आपको ना पता हो और आप एंड्रॉइड यूजर हो तब तो आपको नहीं पता होगा कि iPhone जब भी हीट होते हैं ना तभी यहाँ पे लैग होते हैं, उसके अलावा कभी भी लैग नहीं होते हैं। तो इस वजह से अगर आप स्मूथ पे भी खेलोगे ना तो भी आपको हीटिंग काफी देखने मिलेगी iPhone 11 में, और तभी आपका iPhone 11 लैग भी करेगा। और अगर आप कॉम्पिटिटिव खेलते हो ना तो भी आपको हीटिंग देखने मिलेगी, और उसमें भी आपको रेंडर इशू और लैग देखने थोड़ा मिलेगा। अब आप सोच रहे होगे कि भाई मैं तो लैग का ही बस बता रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि बस लैग ही होता है इसमें। अगर आप गेमिंग कूलर वगैरह यूज करोगे ना या फिर आप इसको हीट होने बिल्कुल भी नहीं दोगे तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस ये देगा iPhone 15 जैसे। बट अभी iPhone 11 में यही प्रॉब्लम चल रही है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हीट होता है ना तो लैग बहुत ज्यादा होता है। वरना चाहे आप इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ खेलो, और आपको पता ही होगा iPhone की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कितनी हाई क्वालिटी की होती है, तो बिल्कुल हाई क्वालिटी की स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ में भी ये 60 FPS देता है BGMI में, और बिल्कुल भी लैग नहीं होता। तो अगर आप हीटिंग से बचा लेते हो और गेमिंग कूलर वगैरह ना साथ में यूज करते हो तो भाई iPhone 11 आप जरूर से ले सकते हो। और गेमिंग कूलर आपको 1500 रुपए का 1600 रुपए का मिल जाएगा, तो दोनों को अगर आप साथ में ले लेते हो ना तो मैं सही बता रहा हूँ भाई iPhone 15 जैसे परफॉर्मेंस मिलेगी। लेकिन अगर आप एक गेमिंग कूलर या फिर टेबल फैन नहीं लेते हो ना तो आपको जरूर से दिक्कत देखने मिलेगी। और अगर आपको ना पता हो तो मैं एक और चीज आपको बता देता हूँ, तो जो हमारा iPhone का BGMI है ना, मतलब जो iPhone में BGMI की एप्लीकेशन है, वो उतनी ऑप्टिमाइज नहीं है जितनी की एंड्रॉइड में ऑप्टिमाइज है। तो इस वजह से ना iPhone में BGMI काफी लैग होने लगा है, और अब वो बात ना नहीं रही है iPhone में कि iPhone में लैग नहीं होता। तो ये सब अब भूल जाओ कि iPhone में लैग नहीं होता, iPhone में भी बहुत लैग होता है, बहुत रेंडर इशू होते हैं, और बहुत ज्यादा हीटिंग भी होती है। तो मैं एग्जैक्टली ये बोलना चाह रहा हूँ कि BGMI में जो इश्यूज है ना, मतलब कि BGMI हमारा ऑप्टिमाइज नहीं है iPhone के लिए, iPad के लिए, और इसी वजह से ना फ्यूचर में कभी भी दिक्कत कुछ भी आ सकती है कि लैग अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाए या फिर रेंडर इशू अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाए। और पिछले ना लगभग 1 साल से 1.5 साल से मैं यही ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जब भी कोई BGMI का अपडेट आता है तो ऐसे ही होता है भाई, कोई ना कोई दिक्कत आ ही जाती है किसी ना किसी iPhone में, और ज्यादातर तो iPhone 11, 12, XR, XS इन सब में आ रही है। अभी पिछले वाले अपडेट में 12 में आ गई कि 12 बहुत ज्यादा लैग होने लगा अचानक से। तो ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि भाई ऑप्टिमाइज अभी उतना नहीं है BGMI। और इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई अगर iPhone 11 लेने का मन है ना आपका, और कॉम्पिटिटिव अगर आप खेलना चाहते हो, कॉम्पिटिटिव क्या, अगर आप नॉर्मल क्लासिक भी खेलना चाहते हो ना, या फिर कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, शॉर्ट्स वगैरह डालना चाहते हो, तो भाई गेमिंग कूलर जरूर से लेना। अगर आप iPhone 11 लेते हो या फिर कोई सा भी iPhone लेते हो, XR, XS, कोई सा भी, तो परफॉर्मेंस का मैंने आपको सब कुछ बता दिया है और करेंटली यही चल रहा है भाई। और अभी बात करते हैं बैटरी की, तो अगर आप iPhone 11 लेते हो और सेकंड हैंड लोगे और उसकी बैटरी हेल्थ फिर आपको मिलेगी 85% के आसपास, तो आपका iPhone 11 चलेगा लगभग 3 घंटे के आसपास, मतलब कि BGMI अगर आप खेलते हो ना तो 3 घंटे तक आपका चल जाएगा iPhone 11। लेकिन अगर आप लेते हो न्यू iPhone 11 तो उसकी बैटरी यहाँ पे चलेगी 4 घंटे या फिर 4.5 घंटे तक, ऐसे ही आपको बैकअप देखने मिलेगा क्योंकि भाई चिप सेट अब पुरानी हो गई है। तो ये मत उम्मीद रखना कि भाई 6 घंटे आपकी बैटरी चल जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। और बहुत लोग ये भी पूछते रहते हैं कि iPhone 11 अगर हम लेते हैं तो कितनी बार उसको चार्ज करना पड़ेगा। तो अगर आप BGMI खेलते हो और नॉर्मल भी iPhone चलाते हो, Instagram वगैरह आप चलाओगे, रील वगैरह आप देखोगे, तो मिनिमम ऐसे मान लो कि 2 बार तो आपको चार्ज करना पड़ेगा ही। तो यही हाल अभी चल रहा है iPhone 11 का 2024 में, और मैंने आपको ना सब कुछ बता दिया है। और अभी अगर आप कोई भी वीडियो देखते हो ना तो भाई सही बता रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है उसका। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो मेरे को Instagram पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपकी बात iPhone 11 के यूजर से ही करवा दूंगा जो कि भाई बिल्कुल हार्ड कोर गेमिंग करता है। और बाकी मैं आपको फुल रिकमेंड करूंगा कि आप iPhone 11 ले सकते हो, अगर आप साथ में गेमिंग कूलर भी ले सकते हो, तो iPhone 11 आपको अभी पड़ जाएगा 20,000 का या फिर 21,000 का, और
गेमिंग कूलर आपको 1500-2000 का मिल जाएगा। तो दोनों का टोटल प्राइस यहाँ पे हो गया है 23,000 रूपए। तो इतना बजट तो आपका होना ही चाहिए। और बाकी अगर आप जानना चाहते हो कि आईफोन XR वर्सेस आईफोन 11 इनमें से यहाँ पे कौन सा लेना चाहिए, तो इस पे ही मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और पिन कमेंट में भी मिल जाएगी, तो वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हो उस वीडियो को भी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। एंड मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, जहां तक देखने के लिए थैंक यू, शुक्रिया एंड बाय बाय।